बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों का थर्ड ईयर का अब नेक्स्ट सेमेस्टर है और इसमें जो आप फार्माकोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे वो फार्माकोलॉजी एंड थेरापीटिक्स 2B है। जैसा कि हम अपने इंटरेक्टिव सेशन में इंट्रोडक्शन सारा ले चुके हैं इस कोर्स का, के कोर्स कोड फार्म 508 फार्माकोलॉजी एंड थेरापीटिक्स 2B के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी थी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के हवाले से है, क्योंकि हमने कीमोथेरापीटिक एजेंट्स को यहाँ डिस्कस करना है। तो हम बेसिकली यहाँ फोकस करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के बेसिकली एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आप तमाम की तमाम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को जब पढ़ेंगे। अभी जैसे हम एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी प्रोटोजोअल है, जितने भी आप फिर आगे कीमोथेरेपी कैंसर के हवाले से भी देखेंगे, उनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या बेसिक रूल्स हैं, क्या बेसिक उसूल हैं। इन चीज़ों को हम सबसे पहले यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास लिपिन कॉट है यहाँ पर, और लिपिन कॉट का ये चैप्टर नंबर 37 है। आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को देखने जा रहे हैं बेसिकली, कि ये क्या है। ओके, तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। और आप यहाँ देखिए कि एंटी माइक्रोबियल थेरेपी आप जो भी करते हैं बेसिकली ये क्या एडवांटेज लेती है, जो डिफरेंसेस हैं बायोकेमिकल डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग। बेसिकली जो ह्यूमन बींग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम ये चीज देखते हैं कि इन ड्रग्स को हम डिजाइन करते हैं इस बेसिस के ऊपर। ओके, आप ये देखिए कि सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी के चीज की तरफ हम जाते हैं, यानी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि कौन से एजेंट्स जो हैं तो हम वो ऐसे डिजाइन करें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको तो किल कर दें लेकिन वो आपके ह्यूमन सेल्स को यानी होस्ट को किल ना कर सकें। ये बेसिकली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आप ये एडवांटेज को हम यूज करते हुए भी अपनी ड्रग्स को डिजाइन करते हैं। तो वो डिफरेंसेस बायोकेमिकल डिफरेंसेस जो कि मौजूद होते हैं बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ह्यूमन बींग, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये बोली। और उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर के सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, एंड दैट सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी मीन वी आर यूटिलाइजिंग द एजेंट्स विच आर टॉक्सिक फॉर द सेल्स बट दे आर यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, बट दे आर नॉट टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कि हम इसमें क्या सबसे अहम चीज है कि आपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट को कैसे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को जब भी हम सिलेक्ट करने जाते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ फैक्टर्स आपने अपने जहन में रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन पे आप देखें ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वट एवर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज कर रहे हैं, जाहिर है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बच्चों वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके अगेंस्ट हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी में जब भी आ जाता है और उसकी वजह से कोई इंफेक्शन या कोई भी डिजीजेस होती हैं, दे कुड बी वेरी वेरी सीरियस। जैसा कि आप लोग देख भी चुके होंगे कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपने इंट्रैक्टिव सेशन में डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से डिजीजेस कॉज करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यही नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज, वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव, देन हाउ यू कैन सिलेक्ट योर एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, देन नंबर टू, द ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी। ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी किसी भी एजेंट के लिए, फॉर एग्जांपल आप कुछ
कोई भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर यूज कर रहे हो बच्चों, लेकिन वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर उस ऑर्गेनिज्म को किल ही नहीं कर, ऑर्गेनिज्म इज नॉट ससेप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर एजेंट, तो आप मुझे बताएं कि उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से फिर साइट ऑफ इंफेक्शन, वो ब्रेन है, हार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, ब्लड में है, कहाँ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो कहाँ रही है। इसके अलावा पेशेंट फैक्टर, हम इनको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पेशेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो कहाँ पर है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, इम्यून सिस्टम कैसा है, पेशेंट और कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, तो पेशेंट के बहुत, या वो रीनल कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, उसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, कोई कंकमिटेंट कोई उसको डिजीज तो नहीं है। इसके अलावा फिफ्थ फैक्टर होता है सेफ्टी ऑफ एजेंट, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी बात भी कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट रीनल कॉम्प्रोमाइज है और उस वक्त कोई एजेंट वहाँ अनसेफ है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट यूज दैट टाइप का एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फिर इसके अलावा कॉस्ट ऑफ द थेरेपी, तो आप ये देखें कि ये वो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट को सिलेक्ट करना है। इसको आपने अपने जहन में रखना है, नंबर वन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी, नंबर टू ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेबिलिटी, नंबर थ्री साइट ऑफ इंफेक्शन, नंबर फोर पेशेंट फैक्टर, नंबर फाइव सेफ्टी ऑफ एजेंट एंड नंबर सिक्स कॉस्ट ऑफ थेरेपी। हम इनको वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं एम्पिरिक थेरेपी, ठीक है। एम्पिरिक थेरेपी का मतलब ये होता है इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रायर टू बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। अभी आपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं किया, अभी आपने ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग नहीं की, लेकिन आप इमीडिएटली कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एम्पिरिक थेरेपी स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज डन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली कौन सा है, आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है, और इस बेसिस के ऊपर फिर हम आगे अपना एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। देखें जनाब, अगर आप किसी भी पैथोजिन को, जो भी पैथोजिन बॉडी में आया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, आपको उसकी सिलेक्शन आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं एक जनरल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। यू पीपल नो कि ग्राम स्टेनिंग की जाती है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और वेदर इट इज ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल वायलेट कलर की डाई हो जाती है, क्योंकि उनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, तो आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाता है कि जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो एटलीस्ट ग्राम पॉजिटिव है। और अगर उनकी सेल वॉल ग्राम स्टेनिंग में रेड कलर की नजर आती है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड डाई होते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई हैं या पी एरोगिनोजा वगैरह हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एटलीस्ट रफली हम ये आइडिया ले लेते हैं कि इस वक्त जो पैथोजन है या जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ओके। जनरली यू पीपल नो कि आपके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है, ब्लड हो गया, सीरम हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट्स में, पेरिटोनियल फ्लूइड है, और इवन आपका जो यूरिन है उसमें जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। लेकिन आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं इन स्पेसिमेन को लेकर, ग्राम स्टेनिंग करके, कि इस वक्त कौन सा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर आपने एक कॉन्क्लूसिव डायग्नोसिस की तरफ जाना है, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो फिर ये बहुत जरूरी है कि आप कल्चर करें। क्या कल्चर करें आप? उस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को और उसकी ससेप्टेबिलिटी चेक करें एक पर्टिकुलर एंटी बैक्टीरियल एजेंट के लिए या एंटीबायोटिक के लिए। देन इट इज इम्पॉर्टेंट कि फिर आप उसको स्टार्ट करें।
ओके, तो मैं यहाँ पर सारी ड्राइंग्स जो हैं उनको क्लियर कर देती हूँ और अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप एक पहले जनरल आइडिया लेने, और जनरल आइडिया लेने के बाद आप फिर ये चीज आइडेंटिफाई करने के कल्चर करके, सैंपल कल्चर करने, और सैंपल कल्चर करके आप फिर एक प्रॉपर उसकी आइडेंटिफिकेशन करें, ठीक है? बहुत सारे और टेस्ट हैं, जैसे यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन करके आइडेंटिफिकेशन और कल्टीवेशन करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इवन उनके आरएनए डीएनए को, ना उनका इम्यून रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जनरली हम एक जनरल टेस्टिंग कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम की, और फिर बहुत डिटेल या एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए हम सैंपल कल्चरिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि कुछ केसेस में हम एम्पायरिक थेरेपी की तरफ जाते हैं, और एम्पायरिक थेरेपी का मतलब ये होता है कि आप बिफोर आइडेंटिफिकेशन द कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही पहले हम उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें। ऐसा क्यों जरूरी है बच्चों? देखो, ऐसी ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कुछ केसेस में। फॉर एग्जांपल टाइमिंग, कुछ केसेस में ऐसे होता है, जैसा कि अगर कोई न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है, न्यूट्रोपिनिया का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स बहुत रिड्यूस हो गए हैं, और आपको पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, WBCs की टाइप्स हैं, पार्ट हैं उसका, ठीक है? ऐसी कंडीशन में कि किसी इंडिविजुअल को सीवियर इंफेक्शन है, उसको न्यूट्रोपिनिया हुआ हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल या कोई पेशेंट है उसको मेनिनजाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो गई है मेनिंजिस की, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैरियर हैं, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं मेनिंजिस, और जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, ऐसी सूरत हाल में वी कैन नॉट वेट फॉर द कल्चर टेस्ट और फॉर अदर टाइप ऑफ टेस्ट, और इमीडिएटली आपको कोई ना कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटीबैक्टीरियल एजेंट वहां पर स्टार्ट करना होता है, ठीक है? एक रीजन तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि फिर सिलेक्टिंग ऑफ ड्रग आप इन केसेस में कैसे करते हैं? अगर तो आप ये देखते हैं कि जाहिर है कि आपके पास एब्सेंस है ससेप्टिबिलिटी डेटा की, तो आप ये चेक करते हैं कि साइट ऑफ इंफेक्शन क्या है और पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, क्या पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को कोई पहले इंफेक्शन तो नहीं रह चुका, उसकी रिसेंट कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, या उसको इम्यून स्टेटस कैसा है उसका, उसका जो इंफेक्शन है क्या वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या कम्युनिटी एक्वायर्ड है, सॉरी। ये तमाम फैक्टर्स एक फार्मासिस्ट ने, एक डॉक्टर ने बहुत एक्सपर्ट तरीके से देखने होते हैं, और अपने नॉलेज की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जनरली हम जाते हैं फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी के ऊपर, ठीक है? और ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी हम जनरली देते हैं उस सूरत हाल में जब आप वेट नहीं कर सकते ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए। और यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये देखें कुछ केसेस में, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू बॉर्न को देखें, जो एक इन्फेंट है, अगर आप कुछ केसेस में देखें तो वहां पर जनरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर कोई न्यू बॉर्न है और उसको इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया कोई प्रॉब्लम हुआ है उसके स्पाइन, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई है स्पाइनल फ्लूइड में, तो वो जनरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नहीं होते, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी होते हैं, ठीक है? लेकिन और ये जनरली जो एगलेक्टी है ये सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन जी को। बाय कंट्रास्ट अगर हम वो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई देखें जो कि स्पाइनल फ्लूइड ऑफ 40 ईयर पेशेंट में होते हैं, तो वो फिर एस निमोनी होते हैं, और एस नमोनी आपको पता है कि पेनिसिलिन जी से रेजिस्टेंट है, और उस सूरत में आपको हाई डोज किसी भी सेफालोस्पोरिन पर जाना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चेक करें कि आपका पेशेंट कौन सा है और क्या उसकी हिस्ट्री है, उसकी एज क्या है, जनरली जो इन्फेंट है या छोटी एज के बच्चे हैं वहाँ कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर वो एजड पर्सन हैं तो वहां पर कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी की टेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं ये सारी जो ड्राइंग है इसको क्लियर कर देती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? चलेंगे, अब हम देख रहे हैं ये वाला फैक्टर, डिटरमिनिंग द एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी ऑफ इंफेक्टेड ऑर्गेनिज्म।
आपके पास जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम कल्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पर इन पैथोजेंस की, और उसको आपने कैसे करना है, इसमें भी आप देखें कि कुछ पैथोजेंस हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन हैं या नीसेरिया मेनिनजाइटिस हैं, ये यूजुअली बहुत ही एक प्रेडिक्टेबल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न देते हैं एंटीबायोटिक को, जबकि कुछ ग्राम नेगेटिव बेसिलाए और एंटीरोकोक्साए स्टेफलोकोकल स्पीशीज ऐसी हैं जिनके ससेप्टिबिलिटी पैटर्न बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि हम मिनिमम इन्हिबिटरी और मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमिन करते हैं। जनरली स्पीकिंग आपको जितनी भी ड्रग्स हैं जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और या फिर वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली स्टैटिक मींस कि वो रोक देते हैं बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको, बेसिकली ये रोक देते हैं, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल मींस साइडल इंडिकेट करता है कि ये उसको किल कर देते हैं। ठीक है, अब देखें कि एक खास जो कंसंट्रेशन होती है आपके ब्लड में जो अचीवेबल होती है, एक अचीवेबल पैटर्न होता है, वहां पर यूजुअली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो फर्दर ग्रोथ होती है, स्टैटिक मींस रोक देना, स्टॉप कर देना, फर्दर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, और इस तरह से मतलब जो उसकी स्प्रेड है ना इंफेक्शन का उसको ब्लॉक कर देते हैं अंटिल एंड अनलेस आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए, और वो एक्टिव होने के बाद, ठीक है, वो एक्टिव होने के बाद अटैक करें इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। मैं क्लिक कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप ये देखिए कि यहाँ तक के जो आपका इम्यून सिस्टम है जब तक ये फिर अटैक नहीं करेगा तब तक उसने एटलीस्ट उसकी ग्रोथ रोक दिया, और ऐसे केसेस में इवन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बैक्टीरियसाइडल ड्रग्स की बात करें, बैक्टीरियसाइडल का मतलब ही यही है कि ये वो एजेंट्स हैं जो कि किल कर देते हैं एजेंट्स को, ठीक है, ये टोटली जो एजेंट्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, और इस सूरत हाल में जब ये किल कर देते हैं तो फिर वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि तो जितनी भी कॉलोनीज होती हैं ये उनको बेसिकली यहाँ पर किल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देख लीजिएगा कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई दी है कि हम जनरली जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है, अभी मैं डिस्कस करती हूँ कि ये क्या है, या मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन ये क्या होती है, और यूजुअली हम एंटीबायोटिक को और अपने जो कल्चर होता है यानी बैक्टीरियल कल्चर या ऑर्गेनिज्म का कल्चर उसके साथ उसको इनोक्यूलेट करते हैं, और इनोक्यूलेशन के बाद फिर हम रिजल्ट देखते हैं कि वो कौन सी कंसंट्रेशन है जहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। अब जितने भी एजेंट्स आ गए, तुम लोग जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप लोग उसमें ये देखोगे कि आपके जितने भी एजेंट्स हैं वो सारे के सारे या बैक्टीरियोसाइडल हैं और या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो एक एंटीबायोटिक है वो हमेशा बैक्टीरियोस्टैटिक ही हो, ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए तो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं लेकिन किसी दूसरे के लिए वो बैक्टीरियोसाइडल। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही है लाइंजोलेड की, और लाइंजोलेड आप देखें बैक्टीरियोस्टैटिक है अगेंस्ट द स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जबकि या एंटीरोकोक्साई के लिए, लेकिन यही एजेंट बैक्टीरियोसाइडल बन जाता है अगेंस्ट मोस्ट स्ट्रेन ऑफ द एस नमोनिया। ठीक है, तो ये बड़ा एक मुश्किल होता है कि आप इस तरह से एक चॉइस करें किसी भी एजेंट को, लेकिन आपके एजेंट्स जनरली दो तरह के होते हैं, या बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और या फिर बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, तो हमने जो फैक्टर अभी डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप इसमें देखें कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो है ये जाहिर है कि मिनिमम का मतलब है ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जो कि इनहिबिट करेगी बेसिकली विजिबल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आफ्टर 24 आवर ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, जबकि मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन वो लोएस्ट कंसंट्रेशन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की जो कि 99.9% डिक्लाइन कर देगी कॉलोनी काउंट को आफ्टर ओवरनाइट ब्रॉथ डाइल्यूशन इंक्यूबेशन। ब्रॉथ इस लिक्विड को कहते हैं जिसमें हमने अपना ऑर्गेनिज्म का कल्चर यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक,
ओके और उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइट ऑफ इन्फेक्शन या थेरेपी। इसको आप थोड़ा सा बच्चों पढ़ लीजिएगा और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, ये हम लैब में भी करेंगे आपकी, और मेरा ख्याल से तुम लोगों ने माइक्रो में किया भी होगा सब कल्चरिंग जो होती है। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है साइट ऑफ इन्फेक्शन, और साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर की। आप देखिए कि हर चीज ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उन केसेस में हमने ये देखना होता है कि कौन से एजेंट कहाँ पर किसको किस तरीके से किस साइट पर जाते हैं। और आप यहाँ देखो कि पेनिट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो CSF में है वो किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तुम लोग पढ़ चुके हो सारे लिपिड सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग से, वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल है जैसे क्लोरम्पेनिकोल है या मेट्रोनिडाजोल है, इनकी पेनिट्रेशन CNS में अच्छी होती है, बीटा लैक्टिन की अच्छी नहीं होती है क्योंकि वो इतनी लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट जिन ड्रग्स का कम है वो आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे। हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स में हमारे पास एग्जाम्पल है वेंकोमाइसिन की, पुअरली पेनिट्रेट करती है। देन प्रोटीन बाइंडिंग, डेफिनेटली जो हाई डिग्री है प्रोटीन बाइंडिंग की उसका CSF में एंट्री आसान नहीं होगी, जो प्री मॉलिक्यूल होगी उसकी आसान होगी। इसके अलावा पेशेंट फैक्टर आपने देखने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इम्यून सिस्टम, कुछ एजेंट ऐसे इंडिविजुअल्स जो के ऑटो इम्यून डिजीज है उनको, या माल न्यूट्रिशन है कोई, या HIV इंफेक्शन है, प्रेगनेंसी है कोई, ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो वहाँ आपने फिर ड्रग को देख कर सिलेक्ट करना। इसी तरह से फिर रीनल डिसफंक्शनिंग है, जैसे पुअर किडनी फंक्शन है तो जाहिर है कि एंटीबायोटिक आपको मालूम है कि वो अपने लिए हो सकते हैं किडनी में, उस पर अपने आप में ये जैसे ड्रग्स हैं वेंको माइनोग्लाइकोसाइड्स, इनकी खास तौर पर एहतियात करनी होती है। सिमिलरली इफ देयर इज हेपेटिक डिसफंक्शन, क्योंकि सारी मेटाबॉलिज्म आपके लिवर में होती है तो वो फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है। सिमिलरली परफ्यूजन अगर पुअर है, वहाँ पर सर्कुलेशन ही उस एरिया में कम है, जैसे कि जो लोअर लिम्ब होते हैं डायबिटिक पेशेंट के, तो आपको रिड्यूस अमाउंट ऑफ जो एंटीबायोटिक है वो उस एरिया में मिलेगी, और उन इन्फेक्शन को अगेन आपको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एज ऑफ कोर्स अभी हमने पहले भी एज की एग्जांपल पढ़ी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इसके लिए ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। एंड रिस्क फैक्टर फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब हम मल्टी ड्रग यूज करते हैं तो वहाँ पर फिर रेजिस्टेंस का मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ड्रग की सेफ्टी ऑफ कोर्स, आप जो भी एजेंट यूज कर रहे हैं अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए है और आपने ये देखना है कि वो ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन अगर वो खुद ही ज़्यादा टॉक्सिक है डिजीज के मुकाबले में भी, तो फिर हम उसको क्या यूज करेंगे। और डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली इनमें से कोई ड्रग ऐड करनी पड़ती है। या भी आपको इतना ड्रग्स का इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा कि वेंको क्या है, क्लिंडा क्या है, डेप्टोमाइसिन क्या है, लेकिन आप इसको जरा सा गो थ्रू जरूर कर लें आगे, जैसे जैसे आप लोग इन ड्रग्स को फिर इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट।